नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। आईपीएल 2019 में युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बूते दिल्ली ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराकर अंक तालिका में टॉप पर जगह बना ली है। ऋषभ पंत ने 26 गेंद में 78 रन उड़ाए और राजस्थान के 192 रन के लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। मैच के बाद पंत ने कहा कि उनके दिमाग में वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयन की बात चल रही थी, इस वजह से वह इस सीजन में पूरी तरह से खेल पर फोकस नहीं कर पा रहे। पंत के बल्ले से आईपीएल 2019 में अभी तक केवल 2 अर्धशतक निकले हैं। राजस्थान के खिलाफ पारी से पहले उन्होंने मुंबई के खिलाफ दिल्ली के मुकाबले में 27 गेंद में 78 रन बनाए थे। इसके बाद से उनके बल्ले से रन नहीं निकले, वे लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो रहे थे। जयपुर में मैच जीतने के बाद पंत ने बताया कि अब उन्होंने वर्ल्ड कप चयन की बात मन से निकाल दी है और उनका पूरा फोकस आईपीएल पर है। राजस्थान रॉयल्स से मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पंत ने बताया, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, एक महत्वपूर्ण मैच में टीम को जीत दिलाना काफी अच्छा लगता है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, चयन की बात मेरे दिमाग में चल रही थी, फिर मैंने अपनी ताकत को केंद्रित किया, अब ताकत पर भरोसा जताया और इससे मुझे फायदा हुआ। मुझे पता था कि विकेट कैसे खेल रहा है और मैंने इसका फायदा उठाया। हमारी टीम की सबसे अहम बात यह है कि सभी अपना काम जानते हैं और हम चीजों को आसान रखते हैं। आपको बता दें, पंत ने इस सीजन में 11 मैच खेले हैं और 163 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 29 चौके और 16 छक्के लगाए। वर्ल्ड कप में जगह बनाने में नाकाम रहने वाले एक अन्य बल्लेबाज अंजिक रहाणे ने भी इस मैच में शतक बनाया। यह उनके आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी है। उनके पारी के सहारे ही राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए थे। इसी तरह के क्रिकेट अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।